हेलो दोस्तों, प्राइमेक शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों में ये वीडियो बन पा रही है क्योंकि दोस्तों इस टाइम सीजन चल रहा है जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको वीडियो दे पाऊँ। तो जैसा कि आज हम जो सीखने वाले हैं दोस्तों, तो आज हम इस लीड के बारे में सीखने वाले हैं। ये लीड हम किस तरीके से बनाते हैं और उसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या हमें फ़ायदा देता है ये, और किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं और किस तरीके से हम इसको बनाते हैं इस लीड को, आज मैं टोटल आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे प्राइमेक्स चैनल पर। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल अभी न्यू विजिट किया है दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से नई नई वीडियो डालता रहता हूँ। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के घंटे को जरूर क्लिक कर लें, जिससे क्या वीडियो की अपलोडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक लीड है जिससे कि हम कंप्रेसर को डायरेक्ट चेक करते हैं, जिसके वजह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना ही हमें करंट लगता है और हमारी सेफ्टी बनी रहती है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, टोटल मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों लीड बनाने के लिए आपको एक वायर की जरूरत होगी जो कि अलग अलग कलर की अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है, वरना तो आप एक कलर की बना सकते हैं। अगर आपके पास एक कलर की रहेगी वायर तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसलिए आपको जो है वायर जो है अलग अलग प्रकार की लेनी है, जैसे कि ब्लैक और रेड। आप तीसरा जो है आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन वायर ले रखी हैं जो कि अलग अलग कलर की हैं, इससे हमारा फायदा ये रहता है कि हमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होती है कि कौन सा वायर हमारा कहाँ लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, ये वायर हमें किस तरीके से बनानी है और कितनी हमें लंबी रखनी है। तो लंबी तो आप कितनी भी रख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लीड बनाए तो आपको जरूरत होगी दोस्तों इन थिम्बल की, जो कि आपको जो आप फ्रिज का सामान लेने जाते हैं ये थिम्बल आपको मिल जाएंगे। तो जब आप इन थिम्बलों को लेके आए तो यहाँ पे आपको एक टाका लगा लेना है इस तरीके से, जिससे कि ये फायदा क्या हुआ, जब भी हम कंप्रेसर के इन पिनों पे हम लगाएंगे तो ये थिम्बल बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये थिम्बल हम इसलिए यूज करेंगे कि ये जो थिम्बल है ये इसमें हमारा आसानी से लग जाते हैं और हिलते भी नहीं है। अगर ये घूमेंगे तो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, जिससे कि हमारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर आप सपोज कर लीजिए इस तरीके से आप वायर लगा रहे हैं, तो इस तरीके से आप लगाएंगे वायर, हो सकता है ये छुटके आपका इधर लग जाए या फोल्ड हो जाए। तो आपको जो है इसलिए ये हमारे जो थिम्बल है ये इसलिए काम में ये हमारे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये हमारे यूज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दो वायर लेनी है, ब्लैक और रेड। आप देख पा रहे हैं ये मेरे सामने ब्लैक और रेड है। अब मैं एक ब्लैक को लगाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कॉमन मान लेता हूं। तो आप रेड को भी कॉमन बना सकते हैं और चाहे तो आप जो रेड वाली है इसको भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ब्लैक वाली को बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इन दोनों वायर को लगा दिया है, जो कि एक कॉमन पे गई है मेरी वायर और दूसरी वाली जो वायर है हमारी गई है रनिंग पे। तो इस तरीके से अब मैं इस कंप्रेस को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप डायरेक्ट जानते हैं किस तरीके से चेक किया जाता है। अब सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे ये वायर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिए है। अब डायरेक्ट लगाने के बाद कंप्रेसर को मैं इस टाइम जो स्टार्ट करूंगा पेचकस की मदद से स्टार्ट करूंगा। ये यहाँ पे मेरा कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, मेरे को पेचकस लगाना पड़ रहा है इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेचकस मैं ना लगाऊं, जिससे कि हम ये कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा दबाव में होता है कंप्रेसर और हम पेचकस नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, हमें एक बैट स्विच की जरूरत होगी, जिससे कि इस बैट स्विच को जो हमारा ये पेचकस काम कर रहा है इस तरीके से ये पेचकस हमारा लग के और हटना होता है इस तरीके से, ये यहाँ से ये लगेगा और फिर हट जाएगा। ये बैल स्विच इस तरीके से ये वर्क करता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं इसके, तो ये भी हम सीख लेते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल और फेस देने के बाद। यहाँ से आप बोर्ड में देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल और फेस लगे हुए हैं और डायरेक्ट मैं इसको चेक कर रहा हूँ रनिंग और कॉमन पे लगाकर पेचकस की मदद से। तो ये तो हुआ सिंपल तरीका कि हम इसको दो वायर से किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जो है हमें लगाना है ये बैट स्विच। तो बैट स्विच को हम कैसे लगाएंगे, मैं इसके निकाल देता हूँ तार। तो आप देख पा रहे हैं ये दो तार हैं, आप कितने भी बड़े ले सकते हैं कितने भी छोटे ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप दो तार आप ले सकते हैं। अब दो तार लेने के बाद अब आपको एक तार और जरूरत पड़ेगी, एक तार की और जरूरत पड़ेगी। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वायर और लेना है जिससे कि हम बैट स्विच लगा सकें और बहुत ही आसानी से इसको हम स्टार्ट कर सकें। तो आपको एक तार की जरूरत जो पड़ेगी, तो एक तार आप छोटा लेंगे इस तरीके से या आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो इस पर भी हमें थिम्बल लगाना है और इसको हमें यहाँ पे इसको लगा देना है। अब जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है,
अब ये जो दोस्तों मैंने पीली वाली वायर लगाए है वो लगाई है हमने स्टार्टिंग पे। अब आप देख रहे हैं तीनों वायर हमारी लग चुकी हैं, जो कि ब्लैक वाली जो है हमारी कॉमन है। आप देख रहे हैं कॉमन, आप जानते हैं कौन सी होती है कॉमन, जो बिल्कुल सिंगल जो पिन होती है हमारी, जो तीन पिनों में सबसे ऊपर वाली पिन होती है, आपकी ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो ये तो हमारी कॉमन है, तो कॉमन पे हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉमन को हमें बिल्कुल डायरेक्ट रखना है। आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल एकदम सीधी सीधी डायरेक्ट है, इसको हमें कॉमन को कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने कॉमन को बिल्कुल डायरेक्ट रखना है, मतलब बिल्कुल सीधा रखना है। अब हमारा आया रनिंग और स्टार्टिंग का, हमें जो काम करना है दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग पे करना है, जिससे कि जो हम पेचकस लगा रहे थे वो हमारा, अब ये हमारा जो बैल स्विच है वो काम करेगा। तो अब दोस्तों मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा डेमो आपको और दिखाता हूँ, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो जैसे कि मैं लाल और इस लाल को और ब्लैक को लगाता हूँ, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग है, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, और लगाने के बाद आप देख रहे हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये जो वायर हमारी बची है स्टार्टिंग वाली, जिससे कि हम पेचकस की मदद से इस तरीके से हम इसको स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको अगर मैं इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे पीले वायर, क्योंकि पीली वाली जो वायर है वो पूरी घूम के हमारी यहाँ पे टच हो रही है। तो जैसे कि हम अब पहले तो कर रहे थे हम पेचकस से इस तरीके से, अब हम कर रहे हैं इसको इस तरीके से टच। तो अगर हम इस रेड वाले वायर पे पीले वायर वाले को यहाँ पे या यहाँ पे कट लगा के, यहाँ पे कट लगा के, यहाँ पे कट लगा के, कहीं पे भी अगर हम करते हैं तो ये लग के और हटना चाहिए कहीं पे भी दोस्तों। यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे, तो हमारा ये काम करेगा। अब ये दोस्तों अब भी हमारा रिस्क का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे नंगे तार है, यहाँ पे हमारा कोई भी करंट लग सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लगाएंगे बैल स्विच, जिससे कि बैल स्विच यहाँ से जैसे ही हम उसको दबाएंगे तो यहाँ से करंट हमारा पास होगा और सीधा हमारा लग जाएगा और हट भी जाएगा इस तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें जो बैल स्विच लगाना है पीले वाले पे और रेड वाले पे हमें लगाना है, मतलब कि रनिंग और स्टार्टिंग पे। तो रनिंग और स्टार्टिंग पे हम कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेड वाले पे कहीं पे भी आप टच करें, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कट लगाएं इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे एक कट मारेंगे आप। कट मारने के बाद हम इस वायर को यहाँ पे लगा देंगे, एक कोई से भी पॉइंट में, हम ये नहीं कह रहे कि इस पे ही लगाना है हमें, किसी भी वायर पे आप लगा दीजिए। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, इसका कर देता हूँ पेस्ट टाइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका कर दिया है पेस्ट टाइट। अब ये जो दोस्तों पीला वाला है, जो स्टार्टिंग वाला तार है हमारा, जो स्टार्टिंग वाला तार है वो हमारा लगेगा यहाँ पे दूसरे पे। आप इधर इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो अब ये भी हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब दोस्तों ये जो हमारा, ये हमारी जो दो वायर बची है रेड और ब्लैक, ये हमारी ये रही। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो जो हमें यहाँ से पेचकस लगाने की जरूरत पड़ रही थी वो हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेचकस का काम हमारा ये हमारे स्विच है बैल स्विच ये हमारा कर रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं इसको यहाँ से इसको लाल वाले पे इसको टच करता हूँ इस तरीके से, तो ये जो रनिंग स्टार्टिंग वाला तार है वो इस पर टच हो जाएगा, जो कि यहाँ से जो काम कर रहा था वो हमारा यहाँ से काम करने लगेगा और हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको चलो दोस्तों मैं दोबारा इसको स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो वायर लगाए, इसके दोनों वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं तब भी हो जाएगा। आप आवाज सुन चुके होंगे कि आवाज हमें आ चुकी है, और इसको मैं करता हूं यहां से बंद। और अब मैं दोस्तों यहां से, जो यहां से भी मैं पेचकस की लगा के यहां से इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी रिस्क का काम नहीं चाहिए जो हमें पेचकस से या फिर हमें स्टार्ट करके इस तरीके से हमें नंगे तारों से हमें रिस्क लेना पड़े। तो इसलिए हम इसको बैल स्विच लगा रहे हैं। अब इसको मैं फाइनल में इसको बैल स्विच से स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसका स्विच ऑन कर चुका हूँ, अब मैं दबाता हूँ बैल स्विच। तो यहाँ पे मैंने बैल स्विच दबा दिया है और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये लीड हमारी बनाई जाती है, और साथ में मैं इसका डायग्राम भी आपको देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना पड़े। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना पड़े और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने घर पे बना सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे कंप्रेसर में स्टार्टिंग, रनिंग एंड कॉमन, यहां पे इस तरीके से ये हमारी जो कनेक्शन किए जाते हैं इस तरीके से होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉमन है, ये हमारी रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। जैसे कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग और ये रनिंग और ये कॉमन, तो कॉमन वाला जो वायर है हमारा बिल्कुल डायरेक्ट जाएगा इस तरीके से, यहाँ से बिल्कुल एकदम सटीक एकदम डायरेक्ट जाएगा, और जो हमारा रनिंग वाला है वो हमारा
दूसरा भी हमारा स्विच से जाएगा। ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लगाया था लाल वाला, यहाँ पे ये हमारा पूरा एक तरीके से यहाँ पे बैल स्विच में लग के और सीधा बाहर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही हम करंट देंगे तो हमारा जो वायर है 220 वोल्टेज का, वो यहाँ पे हमारा पहुँच जाएगा। और जैसे ही हम इसको यहाँ से पेचकस की मदद से यहाँ से टच करते हैं तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी जगह हम यहाँ पर बैल स्विच लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर बैल स्विच जैसे इस पर टच होगा तो आप यहाँ पर टच कर लीजिए या यहाँ पर पेचकस की मदद से टच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको सेफ्टी तरीके से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 220 वोल्टेज देकर यहाँ पर बैल स्विच लगा के इस तरीके से और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर दोस्तों आपके माइंड में कोई भी सवाल या कोई भी क्वारी हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए और मैं आपको उसका आंसर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो के साथ। ओके बाय।